हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, तो यूपी बोर्ड ने अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। इस पर मैं सॉरी बच्चों, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो मैं खास वास देता हूँ तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मैंने आज से कम 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने आपको एक बुक दिखाई थी कि देखो नई किताब आ गई है मार्केट में, और मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और मैंने सबसे पहले वीडियो डाला था यूट्यूब पे, मेरे बाद 10-15 दिन बाद बाकी यूट्यूबर्स ने वीडियो डाला। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया था कि आपका सिलेबस ज़रूर चेंज होगा, क्योंकि NCERT जो ऑफिशियल्स है उन्होंने अपना जो है ना चेंज किया था सिलेबस, किताब सब कुछ चेंज हुआ है। और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होती हैं सब NCERT को फॉलो करते, पूरा देश NCERT को फॉलो करता है। तो CBSE ने लॉन्च कर दिया था, मैंने बोला था बाकी सभी बोर्ड का चेंज होगा। देखिए यूपी बोर्ड ने भी अपना उसी आधार पर चेंज कर दिया है। बोर्ड एग्जाम इस बार नए पैटर्न पर होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और कब एग्जाम होगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी नए वीडियो में, उस पर हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने बोली थी वही चीज़ हो गया, ठीक है। सो जो सिलेबस है वो चेंज हो। आप कहेंगे सर कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर तो बाईं तरफ कुछ दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, ये यूपी बोर्ड का है ना, ऐसे ही बिहार बोर्ड सभी हिंदी मीडियम बोर्ड का आ जाएगा, लेकिन सिलेबस ऐसा ही रहने वाला है। आपको महत्वपूर्ण लिंक यहाँ दिख रहा है ना टॉप पर, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आ जाएगा पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन 2023-24, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर खुल गया 2023-24 के लिए, 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए आ गया है, ठीक है। मैं आपको 10th की मैथ्स खोल के दिखाता हूँ जो मैंने बोला था। देखो अलग से तो मैंने वीडियो बना भी रखी है 10th के लिए, ठीक है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और सिलेबस आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चैनल पर जाओगे तो नई प्लेलिस्ट मिलेगी आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। नए वीडियोस भी हम रेगुलर दे रहे हैं डेली। सो देखो जो मैंने बोला था वही हुआ, ठीक है। और ये टेस्ट आपके होंगे, ठीक है, चैप्टर कौन कौन से टेस्ट होंगे वो होगा, और बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से कई बच्चे बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम अवश्य होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद है, तीसरा दो चर वाले हैं, ठीक है, जून में हमको छुट्टी मिलेगी, फिर द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणियाँ हैं, तो कुल मिलाकर 14 चैप्टर हैं। 14वां चैप्टर क्या है, प्रायिकता है, जो 15 वो एक चैप्टर हटा दिया गया है, देख रहे हो नए सिलेबस में 2023-24 में। तो जो NCERT ने जो अपना बुक बदला है उसी बुक के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आ रखी है। और MCQ पे ज़्यादा ध्यान दो, पुराने वीडियोस अगर आपके पास पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं जिन पे मैंने MCQ करा रखे हैं हर विषय के चैप्टर वाइज, उनको भी आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा भी है ना तो नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, आपका घाटा कुछ नहीं है, कम नहीं पढ़ रहे हो, ज़्यादा ही पढ़ोगे तो फ़ायदा ही है। परंतु नए पैटर्न के आधार पर मैं वीडियो बनाने शुरू कर दूंगा, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ डेली, प्लीज़ वॉच कीजिए डेली, ठीक है। ये सिलेबस देख सकते हैं आप, आपको के सामने, इस पर मैंने क्लास 10th के लिए गणित और विज्ञान पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उसकी अगर बात करें उसके बाद, जैसे ये 12th का मैं बात करूँ, बोर्ड एग्जाम पर ज़्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ, 11th का मैथ का सिलेबस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिलेबस चेंज हो चुका है, आपकी आंखों के सामने है। जैसे यहाँ पर देखिए मैथ की अगर मैं बात करूँ, कहाँ है मैथ, ये है मैथ, देखिए 12th का, ठीक है। संबंध कक्षा 12 में ना कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गणित में, लेकिन टॉपिक एक्सरसाइज है ना क्वेश्चन कम हुए हैं, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना दी है, तो ये ज़रूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और नए पैटर्न पर भी मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए, और मैंने क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए नई प्लेलिस्ट भी बना दी है, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसमें अरेंज कर दिया है मैंने, और अलग से मैंने टॉपिक पे वीडियो बना भी रखी है 12th की मैथमेटिक्स पर। ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री है, 9th वाले बच्चों का भी सिलेबस चेंज हुआ है ना, 10th वालों का भी सिलेबस चेंज हुआ है, 11th वालों का भी चेंज हुआ है, क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या हैं या नहीं है, ये जो लिंक है ऑफिशियल जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सारे चीज़ों को खोल खोल के दिखाने लग जाऊँगा ना, तो ये 9th, 10th, 11th, 12th यही वीडियो कम से कम 2-3 घंटे की बन जाएगी, है ना।
प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, और तबीयत थोड़ी ख़राब है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा यही है कि आपके जो नए एनसीईआरटी बुक हैं जो कि आप विश्वास नहीं कर रहे थे, ठीक है, एनसीईआरटी बुक मार्केट में आ गई है नई बुक, उसी के आधार पर आपका सिलेबस आ रखा है और उसी के आधार पर आपको पढ़ाई करनी है। सब कुछ मैं वो नए वीडियो पे पढ़ा रहा हूँ, पुराने वीडियो से जो पढ़ना है उस पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट। आपका बहुत बड़ा फ़ायदा ही हुआ है इसमें, 30% से ज़्यादा सिलेबस कम किया गया है, 40% सिलेबस कम हुआ है, 40%, ठीक है। हर विषय में चैप्टर हटाए गए हैं, क्वेश्चन हटाए गए हैं, टॉपिक हटाए गए हैं, तो इसमें आपका फ़ायदा ही है। तो वीडियो को कर दो लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।